गणेश भगवान की जय। मित्रों, मैं पंडित राजकुमार मिश्रा आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमारे बिजनेस व्यापार में, हमारी नौकरी में यदि कोई समस्या चल रही है तो उसको लेकर के हम भगवान गणेश जी की आराधना कैसे करें, क्या करके हम भगवान गणेश से मनवांछित फल की प्राप्ति करें। हम लोग जानते हैं कि हम नौकरी में बहुत मेहनत करते हैं, अपने व्यापार में बहुत मेहनत करते हैं, बट हमें मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती। तो मनवांछित फल की प्राप्ति जब ही होगी जब हम सभी विघ्नों के हरण करने वाले भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। तब दोस्तों, बड़े प्रेम के साथ जब भी सुबह आप घर से निकलते हैं, प्रातः अपनी अपने काम पर अपने घर से निकलते हैं, आप नौकरी या बिजनेस जो भी करते हैं उसके लिए जब भी घर से निकलें तो भगवान गणेश जी को प्रणाम करके और उनके सामने बैठ करके 108 बार एक बहुत साधारण सा, बहुत छोटा सा मंत्र है, उसको करके और फिर अपने कार्य पर जाएं। आप करते करते थोड़े दिनों में महसूस करेंगे, एक महीना कीजिए, आप महसूस करते जाएंगे कि पहले की अपेक्षा आपके जीवन में बहुत सारी वृद्धि हो रही है। आपका व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, आपकी नौकरी बहुत अच्छे से तरीके से चल रही है। तो मंत्र आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए और फिर सुबह घर से निकलते हुए 108 बार करके फिर अपने कार्य पर निकले। मंत्र है, ओम सर्वविघ्न हरताय नमः, ओम सर्वविघ्न हरताय नमः, ओम सर्वविघ्न हरताय नमः, ओम सर्वविघ्न हरताय नमः। ये मंत्र है। 108 बार हम भगवान गणेश जी के सामने बैठ करके सुबह पहले इस मंत्र का जप करके और फिर अपने कार्य के लिए निकले। इस मंत्र को करने के बाद अपने कार्य के लिए निकलेंगे तो निश्चित ही हम जिस कार्य में के लिए जा रहे होंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। और यदि हम नौकरी करते हैं तो जो भी हमारे सीनियर लोग हैं उनका व्यवहार हमारे प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रयोग को करने के बाद अपने कार्य को करें, निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। गणेश भगवान की जय।